आज हम डीएच लॉरेंस के द्वारा लिखी गई एक पोएम स्नेक पढ़ेंगे। यह पोएम कवि और स्नेक के बीच की एक घटना है। गर्मी का दिन होता है और सांप जो है वह पानी पीने के लिए कवि के हौज के पास आता है, और कवि भी जो है पानी भरने के लिए घड़ा लेकर हौज के पास जाता है। तभी वह सांप को देखता है। तो कवि और सांप के बीच की जो सारी चीज़ें हैं वह कवि कितना माइन्यूटली बताता है वह इसमें हम इस पोएम में हम देखेंगे। कवि जो है सांप को अतिथि की तरह सोचता है और अतिथि की तरह व्यवहार करना चाहता है, लेकिन उसके पास जो नॉलेज होती है, जो दुनिया से उसको नॉलेज मिलती है, उससे मजबूर होकर वह सांप के ऊपर डंडा चला देता है, जिसकी वजह से वह सांप जो बिल्कुल कूल था, बिल्कुल कंफर्टेबल था, थोड़ा भी नहीं डरा था कवि के मौजूद होने पर भी, लेकिन डंडा चलाने के बाद वह सांप घबरा गया और तेजी से अपने बिल के अंदर चला जाता है, यानी जमीन के दरार के अंदर चला जाता है। तो यह जो है पोएम पूरे इसी पे है। तो चलिए सबसे पहले हम कवि के बारे में जानते हैं। स्नेक जो है डीएच लॉरेंस के द्वारा लिखी गई है, और डीएच लॉरेंस का पूरा नाम डेविड हर्बर्ट लॉरेंस है, जिनका इनका जन्म जो 1885 में और इनकी डेथ 1930 में हुई। यह एक एसेइस्ट, पोएट, शॉर्ट स्टोरी राइटर और नोवेलिस्ट भी हैं। इनकी जो बचपन की जिंदगी है, जवानी तक वह काफ़ी मुश्किल में गुजरी, क्योंकि इनके पिताजी जो थे वह माइनर थे, खान में काम करते थे, और इनकी माँ एजुकेटेड थी, जिसकी वजह से माँ और इनके पिता में काफ़ी झगड़े होते रहते थे। और डीएच लॉरेंस का बचपन जो है यह सब इन सब चीज़ों को देखते हुए बीता, और उन्होंने माँ को ही फॉलो किया, माँ के जेंटलनेस को उन्होंने लिया। और उनके वर्क में जो है एक तरह का प्रिमिटिव, प्राचीन जो चीज़ें हैं वह देखने को मिलती है। नेचुरल पैशन, कंपैशन, ये सारी जो चीज़ें हैं, इमोशन, ये मिलती है उनके वर्क के अंदर। उनके कुछ फेमस जो वर्क हैं, जिसमें कलेक्शन ऑफ पोएम जो 1909 में पब्लिश हुई थी, और द वाइट पिकॉक, ये नॉवेल है 1911, द ट्रेस पासर 1912, सन्स एंड लवर्स इनकी सबसे फेमस नॉवेल है जो 1913 में पब्लिश हुई थी, द रेनबो 1915, और प्लूम्ड सर्पेंट 1926, लेडी चैटरली लवर 1926 में पब्लिश हुई। यह जो पोएम है स्नेक, उसके अंदर पोएट जो है वह प्रिमिटिव वैल्यू, यानी पुराने जो वैल्यू है उसको बताता है, और फिर वह मॉडर्न लाइफ के अंदर जो दिखावापन है, बनावटीपन है, उसको भी वह बताता है। तो चलिए इस पोएम का टेक्स्ट हम शुरू करते हैं। अ स्नेक केम टू माई वॉटर ट्रॉफ ऑन अ हॉट हॉट डे एंड आई इन पैजामा फॉर द हीट टू ड्रिंक देयर। एक सांप जो है कवि के पानी के हौज के पास आता है, पानी के नाद के पास आता है, आया, और काफ़ी गर्मी का दिन था। यहाँ कवि ने हॉट हॉट दो बार इस्तेमाल किया, जो यह बताता है कि हॉट हॉट जब रिपीटेशन ऑफ सेम वर्ड हो तो वह इम्फेसाइज करता है, इम्फेसिस डालता है, जोर डालता है। तो यहाँ बताता है कि भी काफ़ी गर्मी का दिन था, जिसकी वजह से कवि जो है पैजामे में था, और वह भी पानी पीने के लिए वहाँ पहुँचा, सांप भी पहुँचा और कवि भी वहाँ पहुँचता है। इन द डीप स्ट्रेंज सेंटेड शेड ऑफ द ग्रेट डार्क कैरोप ट्री, और कवि जब पहुँचता है तो वह छाया में, एक कैरोप ट्री है जो दक्षिणी पेड़ है, दक्षिणी वृक्ष है, और उस पे जो है फल वो भूरे रंग के लगते हैं, क्लियर, तो उसके छाया में जो है कभी पहुंच जाता है, क्लियर। आई केम डाउन द स्टेप विथ माई पिचर, कभी के पास घड़ा होता है, पिचर मीन्स मिट्टी का घड़ा, और वह उसे लेकर सीढ़ियों से उतरता हुआ वहाँ आता है। एंड मस्ट वेट, मस्ट स्टैंडर्ड वेट फॉर देयर ही वॉज एट द ट्रॉफ बिफोर मी, और मुझे इंतज़ार करना चाहिए, मुझे खड़ा रहना चाहिए और इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि हौज पर मुझसे पहले कोई आया है, यानी हौज पर जो है सांप जो है कवि से पहले मौजूद था, आ चुका था।
यहाँ पर कवि जो है शिष्टता को दिखाता है कि कैसे कवि जो है प्रिमिटिव वैल्यू को दिखाता है कि जो पहले आए पहले उसका हक है। यहाँ प्रिमिटिवनेस दिख रहा है कि प्राचीन चीज़ें में थी, लेकिन आजकल मॉडर्न में तो सब चीज़ चेंज हो चुका है। जो बाद में आया अगर उसके पास पावर है तो वो अपने काम को पहले करता है, लेकिन पुराने यहाँ पे प्रिमिटिवनेस दिखा रहा है। प्राचीन कैसे सभ्यता, कैसे कवि जो है यह देखता है कि पहले सांप आया तो सांप की बारी है। क्लियर। ही रीच डाउन फ्रॉम अ फिशा इन द अर्थ वॉल इन द ग्लूम एंड ट्रायल्ड हिज येलो ब्राउन स्लैकनेस सॉफ्ट बेली डाउन ओवर द एज ऑफ द स्टोन ट्रफ। वह जमीन के दरार से निकला और यहाँ पर पहुंचा, और वह उदास और बिल्कुल कह सकते हैं कि सुस्त सुस्त और उदास होते हुए अपने येलो पीले और भूरे शरीर को बिल्कुल ढीला करते हुए, यानी डाउन करते हुए, डाउन करता है, नीचे करता है, ओवर द एज पानी के हौज के पास, नल के नीचे जो स्टोन होता है, जो पत्थर होता है, उस पे अपने शरीर को ले जाकर और अपने हेड को वहाँ पर वह फिक्स करता है, अपने गले को, एंड रेस्टेड द दिस एंड रेस्टेड हिज थ्रॉट अपॉन द स्टोन बटम। स्टोन के बटम यानी पेंदी पे, पेंदे पे अपने जाके थ्रोट गले को फिक्स करता है पानी पीने के लिए, जो नल से पानी टपकता है। क्लियर। एंड वेयर द वॉटर हैड ड्रिप्ड, और जहाँ पानी जो टपकता है फ्रॉम द टैप नल से, इन ए स्मॉल क्लियरनेस, बहुत थोड़ा थोड़ा, ही सिप्ड, वह पीता है, विथ हिज स्ट्रेट माउथ, अपने मुंह को सीधा करके, सॉफ्टली ड्रिंक, बहुत आराम के साथ, दो हिज स्ट्रेट गम्स इन टू हिज स्लैक लॉन्ग बॉडी साइलेंटली। और वह पानी जो है उसके मसूड़े से, मुंह से मसूड़े से होते हुए धीरे धीरे उसके पेट के अंदर जो है वह चला जाता है, उसके बॉडी के अंदर, उसके शरीर के अंदर। समवन वॉज बिफोर मी एट माई वाटर ट्रॉफ, कोई मुझसे पहले मेरे पानी के हौज पे आया था, एंड आई लाइक अ सेकेंड कम वेटिंग, और मैं दूसरे नंबर पे, इसलिए मुझे प्रतीक्षा करनी चाहिए। कभी ऐसा सोचता है। ही लिफ्टेड हिज हेड, सांप ने जो है अपने हेड को उठाया, फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग एज कैटल डू, जैसा कि मवेशी करते हैं। मवेशी भी जब नाक पे पानी पीते हैं तो वह अपने सिर को उठाते हैं, तो वैसे ही सांप जो उठाता है। यहाँ पर जो है सिमिली का इस्तेमाल हुआ है फिगर ऑफ स्पीच में। एंड लुक्ड एट मी वेगली, और मुझे बिल्कुल अर्थहीन रूप से देखा, ऐसे मुझे देखा, एज ड्रिंकिंग कैटल डू, जैसा कि पानी पीते हुए कैटल जो है वह ऐसा करते हैं। एंड फ्लिकर्ड हिज टू फॉर्क टंग फ्रॉम हिज लीप एंड म्यूज्ड अ मोमेंट एंड स्टूप एंड ड्रैंक अ लिटिल मोर। उसके बाद उसने जो है अपने दो कांटे वाली जबान को अंदर बाहर किया, अपने लिप से, होंठ से, और कुछ देर के लिए वह सोचने लगा, चिंतित हो गया, म्यूज्ड, बिल्कुल सोच में डूब गया। एंड ए स्टूप्ड, और फिर से वह जो है झुका, एंड ड्रैंक अ लिटिल मोर, और थोड़ा और पानी पिया। बीइंग अर्थ ब्राउन अर्थ गोल्डन फ्रॉम द बर्निंग बॉयल ऑफ द अर्थ, जिस प्रकार धरती की गर्म आत, बॉयल मीन्स आत, धरती के गर्म आत की वजह से जो है अर्थ पूरी तरह से ब्राउन हो चुका था, ओके, अर्थ जो है गोल्डन, सुनहले कलर का हो गया था। और यहाँ पे कवि जो है नेक्स्ट लाइन में, ऑन द डे ऑफ सिसिलियन जुलाई विथ इटना स्मोकिंग, वह अपने एक एक्सपीरियंस को यहाँ पे कवि लाकर फिट करता है। और वह एक्सपीरियंस ये है कि सिसिली जो इटली में एक जगह है, वहाँ पे इटना माउंटेन, वहाँ से जब ज्वालामुखी निकलती है तो इसी तरह का दृश्य होता है, जो यह बताता है कि काफ़ी गर्मी, क्योंकि ज्वालामुखी गर्म जगह पे ही निकलती है, तो उस गर्मी को कवि जो है यहाँ की गर्मी से तुलना करता है कि वैसे ही ज़मीन जो है बिल्कुल तपी हुई थी। क्लियर। द वॉइस ऑफ माई एजुकेशन सेड टू मी, और मैंने इस संसार में जो एजुकेशन लिया उसने मुझसे कहा, ही मस्ट बी किल्ड, इसे मार दिया जाना चाहिए। यहाँ पर आप देखें कैसे कवि के अंदर का जो नॉलेज है, जो इस दुनिया में उसने प्राप्त किया है, वो कैसे कह रहा है कि इसे मार दिया जाना चाहिए।
फॉर इन सिसिली, सिसिली में एक मान्यता है, द ब्लैक ब्लैक स्नेक आर इनोसेंट, जो काले सांप होते हैं बिल्कुल इनोसेंट होते हैं, निर्दोष होते हैं, उनके अंदर जहर नहीं होता है। द गोल्ड आर विनमस, और जो सुनहरे कलर के होते हैं, सुनहरे कलर के होते हैं, उनके अंदर जो है जहर होता है। एंड वॉइसेज इन मी सेड, इफ यू वर अ मैन यू वुड टेक अ स्टिक एंड ब्रेक हिम नाउ एंड फिनिश हिम ऑफ। और मेरे अंदर की आवाज ने मुझे फिर से कहा, अगर तुम मनुष्य हो, यानी अगर तुम निडर हो, मैन का अर्थ यहाँ पे निडर, अगर तुम निडर होते, यू वुड टेक अ स्टिक, तुम एक छड़ी लेते और उसे मार देते और उसे खत्म कर देते। बट मस्ट आई कन्फेस, लेकिन मैं वह स्वीकार करता हूँ, हाउ आई लाइक्ड हिम, मैंने उसे कैसे पसंद किया, हाउ ग्लैड आई वॉज ही हैड कम लाइक अ गेस्ट इन अ क्वाइट टू ड्रैंक एट माई वाटर ट्रॉफ, और मैं कितना खुश हूँ कि वह मेरे अतिथि की तरह मेरे पास आया पानी पीने के लिए, मेरे पानी के हौज के पास, एंड डिपार्ट पीसफुल, और वह बिल्कुल शांत होकर लौट जाएगा, पेसिफाइड, पूरा पानी पीकर, पूरा शांत होकर, एंड थैंकलेस, और बिना धन्यवाद के, यानी चुपचाप, इनटू द बर्निंग बॉयल ऑफ दिस अर्थ, इस धरती के जो है आंत के अंदर, जलती हुई आंत के अंदर फिर चला जाएगा, यानी गर्मी को बता रहा है यहाँ पे पोएट, कि जिस दरार से वह आया था उस दरार से जो है वह फिर चला जाएगा। क्लियर, वॉज इट कॉर्डिस एंड आई डेयर नॉट टू किल हिम, फिर कवि सोचता है कि क्या यह कायरता थी कि मैंने जो है उसे मारने का साहस नहीं किया, वॉज इट प्रीवर्सिटी, क्या यह गलत सोच है, गलत सोच थी, डैट आई लॉन्ग टू टॉक टू हिम, कि मैंने इच्छा की उससे बात करने की, वॉज इट ह्यूमिलिटी, क्या यह सज्जनता है, क्या यह विनम्रता है, टू फील सो ऑनर्ड, और कवि काफ़ी जो है प्रतिष्ठित महसूस करता है, काफ़ी अच्छा महसूस करता है, आई फील सो ऑनर्ड, और मैं बहुत जो है ऑनर्ड महसूस करता हूँ, बहुत प्रतिष्ठित महसूस करता हूँ। एंड एट दोज वॉइसेज, और फिर से जो वो आवाज़ है, उसकी नॉलेज, उसकी अंतरात्मा से आवाज़ आती है, इफ़ यू वर नॉट अफ्रेड, अगर तुम डरे हुए नहीं होते, यू वुड किल हिम, तुम उसे मार दिए होते, एंड ट्रूली आई वॉज अफ्रेड, और सच में, सचमुच मैं डरा हुआ हूँ, आई वॉज मोस्ट अफ्रेड, और मैं बहुत डरा हुआ हूँ, बट इवन सो ऑनर्ड स्टील मोर डैट ही शुड सीक माई हॉस्पिटलिटी फ्रॉम आउट द डार्क डोर ऑफ द सेक्रेट अर्थ, उसे जो है मेरे कुछ और स्वागत की आवश्यकता है, बट इवन सो ऑनर्ड स्टील मोर, और मुझे उसे कुछ और सम्मान देना चाहिए, क्योंकि वह जो है गुप्त जमीन के दरार से, काले दरवाजे यानी अंधेरे दरवाजे से जो है वह बाहर आया, यानी अपने घर से अंधकार से वह बाहर आया है, और उसे मेरे हॉस्पिटलिटी की ज़रूरत है, अतिथि सत्कार की उसे ज़रूरत है, तो मुझे उसकी सेवा करनी चाहिए, अतिथि सत्कार करनी चाहिए। कवि यह सोचता है कि मुझे उसकी सेवा करनी चाहिए, क्योंकि वह अतिथि की तरह वह अपने घर काले अंधकार में घर से बाहर आता है, तो मुझे सेवा उसकी करनी चाहिए, क्योंकि गुप्त धरती के इस अंधकारपूर्ण दरवाजे से वह बाहर जो है इस चीज़ की इच्छा करता है कि मैं जो है उसकी सेवा करूं, अतिथि सत्कार करूं। कभी यहाँ पर यह सोचता है, लेकिन उसका मन, उसका ज्ञान जो है बार बार उसे डंडा मारने को कहता है। क्लियर, ही ड्रैंक एनफ, जब वह ज़्यादा पानी पी लिया, काफ़ी पानी पी लिया, एंड लिफ्टेड हिज हेड, और अपने सिर को उठाया, ड्रीमली एज वन हु हैज ड्रंकन एंड फ्लिकर्ड हिज टंग like a fork night on the air, so black seeming to lick his lip. जब वह पानी पी लिया तो उसने अपने सिर को उठाया और ऐसा कि मानो वह मदहोश हो गया हो, वह नशे में धुत हो गया हो, और अपने ज़ुबान को ऐसे अंदर बाहर किया जैसे रात जो है हवा के साथ झिलमिलाती है, और ऐसा लगा कि उसकी जो काले जो जबान है, ओके, वह जो है उसके होठों को चाट रहे हों। यहाँ पे देखिए कैसे इमेज जो है पोएट खींच रहा है। एंड लुक्ड अराउंड लाइक अ गॉड अनसीइंग इनटू द एयर, और सेम सेम
वह जो है एंड लुक्ड अराउंड लाइक अ गॉड, और सेम सेम जो है वह देवता की तरह दिखा, जो अदृश्य होते हुए हवा में अदृश्य होते हुए हो, एंड स्लोली एंड लुक्ड अराउंड लाइक अ गॉड, और बिल्कुल एक अदृश्य गॉड की तरह वह चारों तरफ देखा, जो अदृश्य है और हवा में ऐसे देख रहा है चारों तरफ, एंड स्लोली टर्न्ड हिज हेड, और अपने सिर को धीरे से जो है मोड़ा, एंड स्लोली वेरी स्लोली, धीरे से और बहुत धीरे से, एज इफ थ्राइस अ ड्रीम, कि मानो कि वह स्वप्न में हो। यहाँ पे देखिए स्लोली 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 का कितनी बार कवि ने इस्तेमाल किया है। कवि यह बताना चाहता है कि जो सांप है वो काफी रिलैक्स्ड है, उसे ऐसा लगता है कि उसे अतिथि सत्कार मिल रहा है। क्लियर। प्रोसीडेड टू ड्रॉ हिज स्लो लेंथ कर्विंग राउंड एंड क्लाइम अगेन द ब्रोकन बैंक ऑफ माई वॉल फेस। उसके बाद जो है उसने अपने लंबे शरीर को, लंबे घूमे हुए शरीर को, कर्व्ड शरीर को खींचा और फिर वहीं पे सरकना शुरू हुआ जहाँ से वह आया था, जहाँ से जो है जमीन का दरार था मुंडेर की तरफ, यानी पानी का जो हौज है वहाँ की तरफ, उधर वह फिर बढ़ने लगा। एंड एज ही पुट हिज हेड इन टू द ड्रेडफुल होल, और जैसे ही उसने अपने सिर को उस डरावने छिद्र के अंदर डाला, एंड ही स्लोली ड्रीव अप स्नेक इजिंग हिज शोल्डर एंड इन टू फादर, और उसने जो है अपने शरीर को धीरे धीरे खींचना शुरू किया और अपने कंधे को ढीला किया और फिर आगे की तरफ प्रवेश करना शुरू किया, और सॉर्ट ऑफ हॉरर, एक छोटा सा डर, अ सॉर्ट ऑफ प्रोटेस्ट, एक छोटा प्रतिरोध, विरोध जो है, अगेंस्ट हिज विथड्रॉइंग इनटू द हॉरिड ब्लैक होल। वो जैसे ही वह डरावने होल के अंदर जा रहा था तो उससे जो है एक प्रकार का डर, एक प्रकार का जो है प्रतिरोध जो है कवि के अंदर आता है। डिलिबरेटली गोइंग इनटू द ब्लैकनेस एंड स्लोली drawing himself after overcame me, now his back was turned, और वह धीरे धीरे जो है उस अंधेरे की तरफ बढ़ने लगा और खुद को अंधेरे की तरफ खींचने लगा, और उसका जो है पीछे, उसका जो पीठ जो है अब वह मुड़ चुका था, पीठ को अब मैं देख सकता था। क्लियर। आई लुक अराउंड, मैंने इधर उधर देखा, मैंने चारों तरफ देखा। आई पुट डाउन माई पिचर, मैंने अपने घड़े को नीचे रखा। आई पिक्ड अप अ क्लमजी लॉग, और मैंने एक डंडा, एक बेडॉल डंडा उठाया, एंड थ्रू इट, और मैंने इसे फेंका एट द वॉटर ट्रॉफ विथ अ क्लैटर, पानी के हौज के पास, और एक खड़खड़ाहट की आवाज हुई। आई थिंक इट डिड नॉट हिट हिम, और मैंने सोचा और मुझे ऐसा लगा कि उससे जो है उसे चोट नहीं लगी। बट सडनली, अचानक, डैट पार्ट ऑफ हिम डैट वॉज लेफ्ट बिहाइंड, उसका जो पार्ट जो दरार से बाहर की तरफ था, कन्वर्स्ड इन अनडिग्निफाइड हेस्ट, बहुत तेजी से ऐंठते हुए, बहुत तेजी से, रिद लाइक लाइटनिंग एंड वॉज गॉन, छटपटाते हुए बिल्कुल बिजली की तरह जो है वह अंदर प्रवेश कर गया। यहाँ तक देखे, पहले सांप कितना कंफर्टेबल होता है, सांप के अंदर कोई डर नहीं होता, सांप बिल्कुल स्लोली स्लोली, इतनी बार स्लोली का इस्तेमाल हुआ यहाँ कुछ लाइन के अंदर कि स्लोली स्लोली, सांप बिल्कुल स्लो था, सांप मुड़ चुका होता है, सांप जा रहा है, सांप ने कभी को कुछ परेशान नहीं किया है, और जब सांप अंदर जा रहा है उसका कुछ शरीर का कुछ हिस्सा बाहर होता है, तब कभी जो है डंडा उठाकर उस पर चलाता है, और डंडा चलाने की वजह से सांप जो है वो बहुत तेजी से जो है फिर बिल के अंदर चला जाता है। इन टू द ब्लैक होल द अर्थ लिप्ड फिशर इन द वॉल फ्रंट एट विच इन द इंटेंस स्टील लून आई स्टार्ट विथ फैसिनेशन। मैं जो है गहरे आकर्षण के साथ उसे देखता रहा, स्टेयर्ड, बहुत गहरे आकर्षण के साथ देखता रहा वो ब्लैक होल के अंदर, जो दरार था जमीन के ऊपर, जो उभरा हुआ दरार था उससे वह जो है अंदर चला गया इस चिलचिलाती धूप के अंदर। क्लियर। एंड इमिडिएटली आई रिग्रेटेड इट, जो है मैंने अफसोस किया। I thought how paltry, कितना बेतुका, छोटा काम, how vulgar, कितना ओछा और घटिया, what a maniac, कितना घटिया जो है कार्य मैंने किया। I despised myself, मैंने खुद से घृणित किया, and the voice of my accursed human education, और जो वह आवाज़ जो जो इस मानव
जो इस संसार में मैंने प्राप्त किया मानव के द्वारा, ह्यूमन एजुकेशन, जो मानवता का जो मैंने पाठ पढ़ा है, इस संसार के अंदर, उस आवाज़ की वजह से जो है कवि उस पर डंडा चलाता है। यानी जो कवि सीखता है इस संसार के अंदर, दुनिया के अंदर, इस मॉडर्न लाइफ के अंदर, कवि यह कहना चाहता है कि मॉडर्न लाइफ के अंदर जो है, जो चीज़ सीखा है उसकी वजह से सांप को मार देना चाहिए। लेकिन पहले पहले बहुत जो है ये कवि सोचता है कि वह मेरा अतिथि है, उसका सेवा करना चाहिए, लेकिन बाद में मारने पे मजबूर हो जाता है, तो बाद में उससे घृणित करता है इस नॉलेज पे वह। क्लियर? एंड आई थॉट ऑफ द एल्बेट्रॉस, और मैं जो है एल्बेट्रॉस के बारे में सोचता हूँ। एंड आई विश्ड ही वुड कम बैक माई स्नेक, और मैं ऐसा कामना करता हूँ कि मेरा सांप जो है फिर वापस ना आ जाए। यहाँ पे एल्बेट्रॉस जो है एक चिड़िया है। द राइम ऑफ द एंशियंट मरिनर एसटी कॉलेज के द्वारा लिखी हुई एक पोएम है। उस पोएम के अंदर मैरिनर यानी जहाजी, बहुत से जो जहाजी होते हैं, एक जहाज को लेकर जाते हैं, और मैरिनर जहाजी को बोलते हैं, जहाजी लोग को, उसमें जो है कि ओल्ड मैन होता है और काफ़ी लोग होते हैं। एक चिड़िया आती है जिसका नाम एल्बेट्रॉस, एल्बेट्रॉस चिड़िया, और वह आती है बार बार और बैठी रहती है, किसी को परेशान नहीं करती है। जो अनाज छूटता है, जो खाना छूटता है, उसको सिर्फ वो खाती है। अचानक एक दिन जो है वह ओल्ड मैन उस एल्बेट्रॉस को मार देता है बिना किसी वजह के, ना एल्बेट्रॉस उसको प्रॉब्लम पहुंचाती है। और जब एल्बेट्रॉस मर जाता है तो उसकी आत्मा जो है आ जाती है और इस इन लोगों पे कहर शुरू हो जाता है। तो वही कवि सोचता है कि मैंने उसे डंडा मारा, ऐसा ना हो कि सांप फिर से आ जाए। फॉर ही सीम टू मी अगेन लाइक अ किंग, वह मुझे एक बिल्कुल राजा की तरह लगा। लाइक अ किंग इन एक्साइल, एक राजा जो वनवास में हो, अनक्राउन इन द अंडरवर्ल्ड, जो पाताल के अंदर हो और मुकुटहीन हो, मुकुट जिसे न लगा हो, नाउ ड्यू टू बी क्राउंड अगेन, और फिर से उसे मुकुट लगाया जाएगा, यानी फिर से वह राजा उसे बनाया जाएगा। कवि ऐसा सोचता है। एंड सो आई मिस्ड माई चांस विथ वन ऑफ द लॉर्ड ऑफ लाइफ, और मैंने जो है यह चांस गंवा दिया एक एक देवता, जो जीवन के देवता के प्रति। एंड आई हैव समथिंग टू एक्सपीट, और मेरे पास कुछ है जिसे मुझे प्रायश्चित करना है। अब पिटीनेस, एक तुच्छ काम, कवि जो है काफ़ी तुच्छ काम किए रहता है, इसकी वजह से जो है उसे पछताना है, क्योंकि उसने डंडा चला दिया, डंडा लगा नहीं, लेकिन उसके अंदर जो नॉलेज जो इस दुनिया से लिया है उससे विवश होकर वह चलाता है। तो यह पोएम जो है, इस पोएम में हमने देखा कैसे कवि पहले ऐसा सोचता है कि मैं इसकी सेवा करूँगा, यानी सेवा करना चाहता है, सेवा सत्कार, क्योंकि वह अतिथि है, शुरू से उसे इज्जत देता है, क्योंकि वह पहले आया है तो उसे पहले पानी पीने दिया जाए, और वह अतिथि है इसलिए मुझे ऑनर्ड करना चाहिए। और एक दो बार जो उसकी जो नॉलेज जो उसने प्राप्त किया इस दुनिया से, मॉडर्न लाइफ से, उसकी वजह से वो मारना चाहता है, लेकिन बार बार रुकता है। लेकिन अंत में जो है, जब मुड़ कर जाने लगता है, उस कंडीशन में वह डंडा उठाकर चलाता है, जिससे सांप जो है डर कर बड़ी तेजी के साथ बिल के अंदर चला जाता है, और बाद में जो है कभी अफसोस करता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये पोएम आपने समझ ली होगी। ये पोएम काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। ओके, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम तो कमेंट जरूर करें। अगर आपने वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।